हम देखेंगे बेटा वीडियो नंबर 20 में सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स, सेकंड टाइम के सेकंड, सेकंड नहीं, सेकंड यानी दूसरे नंबर का नहीं, सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड यानी घड़ी के जो सेकंड होते हैं, टाइम के जो सेकंड है वो। तो फिर प्रश्न ये आता है कि सेकंड्स पेंडुलम किसे बोला जाएगा। तो ये देखिए फिगर ऑलरेडी आपको वो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सिंपल पेंडुलम की फिगर। तो इसमें ये जो बॉब है ये क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, O2P P2O O2Q Q2। यस, तो अगर ये सिंपल पेंडुलम का बॉब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन आपको मालूम है O2P P2O O2Q Q2, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए अगर वो 2 सेकंड लेता है, कितने, अगर वो 2 सेकंड लेता है तो इसी सिंपल पेंडुलम को बोला जाता है सेकंड्स पेंडुलम। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन हम मेंशन करेंगे। तो बताओ डेफिनेशन क्या, ए सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 2 सेकंड्स इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। यस, तो देखिए फिर डेफिनेशन, ए सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 2 सेकंड्स इज कॉल्ड ए सेकंड्स पेंडुलम। वो सिंपल पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड है उसको बोला जाता है सेकंड्स पेंडुलम। तो देयरफॉर टी इक्वल टू 2 सेकंड, टी के वैल्यू 2 सेकंड। अब हमारे पास सिंपल पेंडुलम के पीरियड का फॉर्मूला क्या है बताइए, तो हम मेंशन करेंगे क्या फॉर्मूला है, टी इक्वल टू 2π √L/g। तो वी हैव, हमारे पास है क्या, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी इक्वल टू क्या है, 2π √L/g, 2π √L/g। ओके, तो अब टी की वैल्यू 2 सेकंड है, रखो इसमें 2 की वैल्यू 2 सेकंड, सो टी की वैल्यू 2 रखा हमने, ये 2π वैसे ही, और ये √L/g, तो ये 2 और ये 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ 1 इक्वल टू ये पाई √L/g। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कीजिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वही गेट, स्क्वेयरिंग कीजिए दोनों साइड, तो 1 का स्क्वेयर 1, पाई का स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, और ये रूट का स्क्वेयर लेंगे तो स्क्वेयर रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा L/g। ये जी इधर डिवीजन में इधर लाया तो मल्टीप्लिकेशन में ये पाई स्क्वेयर इधर लाया इक्वल टू L, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो L इक्वल टू g/π² जी की वैल्यू आपको मालूम है 9.81, और पाई स्क्वेयर पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका ये स्क्वेयर, तो दिस इज इक्वल टू 9.81 अपॉन, ये आता है 3.14 का स्क्वेयर 9.87, यस। तो इधर मेंशन करेंगे हम, ओके, अब ये 9.81 अपॉन ये 9.87, देखो दोनों नंबर नियरली अबाउट सेम है, ये देखो 9.8 और नीचे भी ये 9.8 सेम है, बस ये सामने 1 है और यहाँ 7 है,
इसलिए न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से बिल्कुल थोड़ा सा ही छोटा है। थोड़ी देर के लिए अगर हमने इसको इक्वल माने तो कैंसिल होके क्या आएगा, वन, बिल्कुल, क्योंकि दोनों नंबर नियरली अबाउट सेम है। यस, तो अगर हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें तो ये आता है इक्वल टू 0.995। किसकी वैल्यू, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में यल, तो यल की वैल्यू 0.995। 0.995 यानी नियरली इक्वल टू 1 है, सो यल इज नियरली इक्वल टू 1। और लेंथ का यूनिट आपको मालूम है मीटर, तो ये जो लेंथ है किसकी लेंथ, लेकिन सेकंड्स पेंडुलम की, किसकी, सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ, ये नियरली इक्वल टू कितनी होती है, 1 मीटर, तो मेंशन करेंगे दस द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज नियरली 1 मीटर। तो सेकंड्स पेंडुलम की दो बातें ऑलवेज ख्याल में रखो कि इसका पीरियड जो होता है वो 2 सेकंड होता है, और उसकी जो लेंथ है, ये लेंथ देखो, ये लेंथ, ये जो लेंथ है यस से वो तक का डिस्टेंस, ये जो लेंथ है ये नियरली 1 मीटर होता है। तो ये हुआ बेटा सेकंड्स पेंडुलम। ओके, यस। Oh, 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 oh,